गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी क्षेत्र के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए गहलोत सरकार ने अपने आशियाने को बनाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इस एक किश्त मिलने के बाद आधे अधूरे मकानों के साथ अब इन बीपीएल कार्ड धारकों को अगली किश्त का इंतजार है। गहलोत सरकार ने झुंझुनू के शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को पक्का आशियाना बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बीपीएल आवासीय योजना की शुरुआत की थी। साल भर पहले 12 नगरपालिकाओं में रहने वाले 2142 बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को चिन्हित करके पक्का मकान बनाने के लिए 3 किश्तों में पैसे देने का वादा किया गया था। पहली किश्त मिलते ही लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी किश्त न मिलने के चलते लोगों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारी वगैरह कह रहे हैं कि ठीक है बाद में आ जाए, उसके बाद में ये चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में आपको एक चेक और मिल जाएगा। अच्छा, 3 बार करके देंगे। अभी तक मिला नहीं है? अभी तक नहीं मिला, एक ही किस्त मिली है 25,000 की। अच्छा, वो मिली थी मार्च में। अच्छा, परेशान तो ये सर्दी का तो मौसम आ रहा है और बच्चे एकदम सर्दी के अंदर ठठुरते हैं। अब सरकार पैसा देगी तो इसको और ऊपर बना देंगे, नहीं तो है जैसा का जैसा पड़ा रह जाएगा। ट्विस्ट हो रहे हैं, सारा भेज रहे हैं। हम सर्दी के मौसम में बाहर बहुत परेशान हो रहे हैं। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी व्यवस्था बनाई रखे और जो से हमको पहली किस्त दी थी वैसे ही दोबारा किस्त हमको मिलनी चाहिए। अभी बकाया है पैसा जो कह रहे थे 45,000 मिले और इसके अलावा कह रहे थे कि हम दिवाली बाद देंगे, वो किस्त उठे दिए। लोगों का सामान बिना छत और बिना दरवाजों के आधी अधूरी दीवारों के बीच खुले आसमान के नीचे बिखरा पड़ा है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का ये कहना है कि नगर पालिका में अभी तक फंड नहीं है जिसके कारण कि इनका ये भुगतान नहीं हो पाया। कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी इसके कारण वो किस्त नहीं चुका पाए, जबकि लोगों का ये कहना है कि ये किस्त उनसे वादा किया गया था कि दीपावली तक ही चुका दी जाएगी, लेकिन नई दिलासा के साथ सरकारी बयान जारी है। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रथम किस्त अधिकांश को दे दी गई है। सेकेंड और थर्ड किस्त में कुछ नगर पालिका के पास में फंड की प्रॉब्लम थी, कईयों ने अपने फर्स्ट किस्त लेने के बाद में भी मकान स्टार्ट नहीं किए तो उसके कारण से सेकेंड और थर्ड किस्त हम नहीं दे पाए हैं। जब भी लेटेस्ट गवर्नमेंट से नए दिशा निर्देश आएंगे और ये हमारी जो फंडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद में, क्योंकि चुनाव लगने से आचार संहिता भी लगी हुई थी, ये सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। योजना की शुरुआत करने वाली सरकार की विदाई हो चुकी है। नई सरकार से इन गरीब परिवारों को उम्मीद है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत को देखते हुए शायद सरकार इन पर ध्यान देगी। नैना शेखावत, समय राजस्थान, झुंझुनू।